जय श्री नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु आप देख रहे हैं चैनल। दोस्तों आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों मेरे दिल से तहे दिल से आपको दोस्तों जय शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप आ चुके हो वीडियो में, दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। मैंने पहले वीडियो में दोस्तों जो माइनस बग्स हो गए थे माइक की वजह से, दोस्तों मैं बता देता हूँ माइक में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। दोस्तों फटाफट से बात करते हैं दोस्तों पहली वाली वीडियो की, एक सेकंड में बात कर लेना। दोस्तों मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको एक कैटेगरी चूज कर लेनी है, काफी कैटेगरी थी मैंने दोस्तों लिस्ट दिखाई थी आपको। आपको उसमें कोई भी एक कैटेगरी चूज कर लेनी है जिसमें दोस्तों आप 1% ज्यादा अच्छे हो। तो दोस्तों आपने कर लियो सेलेक्ट। तो आज दोस्तों आगे की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। दोस्तों मैं गूगल पर सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि सपोज करते हैं आपने दोस्तों जो स्पोर्ट्स की कैटेगरी सेलेक्ट किया, आप न्यूज की सेलेक्ट की है, दोस्तों आपने जिस भी कैटेगरी सेलेक्ट किया उसको दोस्तों पहले आप नेट पर सर्च करते हैं। दोस्तों सेकंड स्टेप हमारा ये है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर स्पोर्ट्स की कैटेगरी के बारे में लेकर चलूंगा, SPORTS, स्पोर्ट्स। ठीक है फ्रेंड, स्पोर्ट्स के बाद आपको डालना है ब्लॉग। ठीक है फ्रेंड, स्पोर्ट्स ब्लॉग को आपको क्लिक कर देना है। फाइंड करते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स ब्लॉग में टॉप 10 ब्लॉग्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो 10 बेस्ट स्पोर्ट्स ब्लॉग्स ऑफ इंडिया, दोस्तों 10 टॉप 10 आपको देखने हैं, जो भी आप दोस्त जिस भी कैटेगरी के आपको। दोस्तों आप कोई भी देख सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केट में टाइम्स ऑफ इंडिया ब्लॉग्स में देख सकते हो, 15 ब्लॉग्स इन इंडिया। दोस्तों टॉप 15 ब्लॉग्स इन इंडिया को सर्च कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको टॉप लेवल के सर्च करने हैं दोस्तों, डाउन वाले नहीं करने हैं, क्योंकि आपको सर्च रिजल्ट में टॉप पे आना है। तो दोस्तों मैं फटाफट से एक बार इसको सर्च कर लेता हूं और दिखा देता हूं आपको क्या इसमें आपको देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोडिंग कर रहा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये ओपन हो चुका है। जैसे कि आप इस ब्लॉग को देख सकते हो, किसी की ब्लॉग को आपको चीज से कोई फर्क नहीं है। आपको दोस्तों अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखना है। दोस्तों ये देख सकते हो आप 10 बेस्ट स्पोर्ट्स ब्लॉग्स ऑफ इंडिया, दोस्तों आपको टॉप 10 चूज करने हैं और उसमें से आपको ये चीज देखनी है दोस्तों ये टॉप 10 पे आ क्यों रहे हैं, आप इन्होंने क्या चीज ऐसी डाल रखी है जो टॉप 10 पे आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चल देख लेते हैं फटाफट से स्पोर्ट्स के बारे में टॉप 10 बेस्ट स्पोर्ट्स जन स्पोर्ट्स कीड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये है ब्लॉग, इसके ऊपर ओपन कर लेते हैं दूसरी विंडो में, ओपन इन न्यू विंडो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फटाफट से देख लेते हैं, ये है स्पोर्ट्स कीड़ा के नाम से दोस्तों एक ब्लॉग, ब्लॉग ही है दोस्तों ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हो टॉप 7 यूरोपियन फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये न्यूज के बारे में ब्लॉग देते हैं, जो न्यूज आती है स्पोर्ट्स की, आप इसमें ये देखते हैं ब्लॉग खोल के, इसमें इन्होंने ऐसा क्या दे रखा है जो टॉप पर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, इनकी क्लैरिटी देखना आप, राइटिंग स्किल्स देखना आप किस तरीके से लिखना है, देखिए दोस्तों हेडिंग देखना कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने जचा के लिखी हुई है। फिर इसके बाद आपको देखना है दोस्तों हेडिंग के तुरंत बाद इन्होंने एक इमेज दी है, इमेज में एड कैप्शन डाला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इमेज में डालने के बाद एड कैप्शन, फिर उन्होंने थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा खुल के बताया है कि क्या है। फिर इसके बाद इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट शो कराया है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद इन्होंने फिर एक इमेज डाली है। दोस्तों आप यहाँ पे कैलकुलेट करते रहना, दो इमेजेस हैं, फिर इसमें भी कैप्शन डाला है, एड टैग यूज किया हुआ है। ठीक है, ये सब मैं आपको जब पोस्ट लिखेंगे उस दौरान मैं बता दूंगा, आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको बस इसमें ये जानना है कि किस तरीके से इन्होंने ब्लॉग्स लिखा हुआ है, क्यों ये टॉप पे आ रहे हैं, क्या इन्होंने नॉलेज दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद इन्होंने एक और इमेज डाली, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया लगभग 100 वर्ड्स का, फिर उन्होंने एक अपनी YouTube की वीडियो डाल दी। अगर आप चाहो तो आप भी डाल सकते हो YouTube की वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, बस पोस्ट खत्म, इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर इनके दोस्तों जो है अदर पोस्ट आपको ओल्डर पोस्ट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज और भी देखनी है, जो कमेंट्स करते हैं ना लोग इन पोस्ट पे, आपको एक बार नीचे डाउन करके देखना है कमेंट्स किस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार हम देख लेते हैं कमेंट्स के बारे में भी, अगर इसमें कमेंट्स किया होगा किसी ने तो आपको कमेंट्स भी यूज करने हैं कि लोग कमेंट्स क्या देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से मैं एक बार नीचे ले जाके देखता हूँ कमेंट्स अगर इसमें हुए होंगे तो कमेंट्स इसमें मुझे नहीं लग रहा है। दोस्तों कोई बात नहीं, दूसरे को खोल लेते हैं। इसमें दोस्तों हमने देख लिया किस तरीके से इन्होंने ब्लॉग्स लिखा हुआ है, इन्होंने इस अच्छी तरीके दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं ये सोम डोसरा के दोस्तों एक ये भी देख लेते हैं ओपन करके blogspot.in। आप देख सकते हो blogspot.in स्पोर्ट्स का यार आज जीने की जिंदगी ना करो। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने इधर एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो रहे हैं इनके, ये ब्लॉग है देखो दोस्तों, अब ब्लॉग का भी दिखाई दे रहा है, इस ब्लॉग का भी। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरीके से इन्होंने ब्लॉग सजा के लिखा हुआ है, ICC की बूमिंग के बारे में क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों आपको यही चीज आपको सर्च करनी है स्पोर्ट्स के बारे में या किसी भी जिस बारे में आप जानना चाहते हो। दोस्तों इन्होंने तो मिक्स कर रखा है, देखिए सनी देओल का स्पोर्ट्स में क्या मतलब। ठीक है फ्रेंड, ये करने से दोस्तों फ्लॉप हो जाती है। अगर आप एक भी लेवल को बना रहे, एक कैटेगरी दोस्तों एक ही कैटेगरी फोकस कीजिए, अगर उसको मिक्स मसाला बना दोगे वो किसी लायक नहीं रहेगा, ना तो उसको गूगल फिर स्पोर्ट्स में सर्च कर पाएगा, ना उसको दोस्तों कुकिंग में सर्च कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड, ना फिल्म में सर्च कर पाएगा। एक ब्लॉग एक चीज के ऊपर बनना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आशा करता हूँ आपको पता लगा, टॉप 10 आपको अपनी कैटेगरी के देखने हैं, ब्लॉग्स देखना है उन्होंने किस तरीके से उसको लिख रहा है, कितनी बड़ी हेडिंग है, कितनी बड़ी दोस्तों उन्होंने टैगलाइन यूज की हुई है उसमें, कितनी इमेज यूज किया है एक पोस्ट में, क्या उन्होंने बताया उसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको इस चीज के बारे में पता लग गया होगा दोस्तों। इसके बाद हम तीसरे स्टेप पे चलेंगे दोस्तों, कल को या फिर आज शाम को। ठीक है फ्रेंड, तो आप सभी को मेरी तरफ से दोबारा से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। इस वीडियो को बस सिर्फ शेयर कीजिए, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ शेयर कीजिए ना, मुझको इस वीडियो पर लाइक चाहिए ना मुझको दोस्तों इस पर सब्सक्राइबर चाहिए दोस्तों, शेयर कीजिए ताकि गरीब बच्चों का भी दोस्तों जो है, गरीब आदमियों का भी दोस्तों जो है भला हो सके। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।